हूँ शोभा और आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल का लड्डू। तो आइए जानते हैं इसके लिए क्या चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक कटोरी तिल लिया है, डेढ़ गुड़ ली हूँ भेली वाली, आधा कटोरी पानी। तो सबसे पहले मुझे फ्राई पैन गरम करना है गैस पे चढ़ा के, इसे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट करना है। उसके बाद गुड़ को पानी में दे करके थोड़ा पाक बना करके तब ये तिल उसमें डालना है। तो ये देखिए मैंने फ्राई पैन बैठा दिया है गैस पे। अब ये जैसे ही गर्म हो जाएगा तब मैं ये तिल डाल के इसमें 2 से 3 मिनट के लिए भूंजूंगी। तो ये देखिए अब मैं तिल डाल रही हूँ, इसे 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे भूंजना है। ये देखिए अभी ये हमारा हल्का हल्का भुंजा चुका है, अभी थोड़ा सा और भूंजना है। 1 मिनट भूंज ली हूँ, 1 से 1.5 मिनट और लगेगा। तो ये देखिए अब ये हमारा तिल अच्छी तरह से भुंजा करके तैयार है। अब मैं इसे दूसरे बर्तन पर निकाल दूँगी। ये देखिए मैंने गैस पे कढ़ाई बैठा लिया है, अब मैं इसमें ये पानी डाल रही हूँ। थोड़ा सा पानी देना है ताकि गुड़ इसमें गल सके। इस तरह से आपको सब गुड़ को डाल देना है पाक होने तक। तो ये देखिए इस तरह से गुड़ गलते गलते जब ये अच्छी तरह से पाक हो जाएगा, पूरा गल जाएगा, तब जा करके वो तिल को इसमें डालना है। तो ये देखिए अब ये गुड़ अच्छी तरह से गल चुका है। अब इसमें इस सारे तिल को मैं डाल दे रही हूँ। अब इसे अच्छे से मिलाना है। तो ये देखिए अब ये अच्छी तरह से मिल गया है। अब मैं गैस बंद कर दे रही हूँ, थोड़ा ठंडा होने के बाद फिर हम इसे गोल गोल लड्डू जैसा बना देंगे। तो ये देखिए मैंने दूसरे बर्तन पे इसे निकाल दिया है कढ़ाई से। अब मैं इसे गरम गरम ही इस तरह से गोल करना है। ऐसे हाथ में आप ज़रा सा पानी लेकर के लगा के गोल कर सकते हैं, क्योंकि ठंडा यदि हो जाएगा तो फिर ये गोल नहीं होने पाएगा। ये देखिए इस तरह से आपको गोल गोल बना देना है, गरम लगता रहेगा, गरम गरम ही करना है। तो ये देखिए अब ये हमारा सारा लड्डू बनकर तैयार है। दोस्तों यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।